फाइनली 2024 आ चुका है और न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के साथ सब लोग इस नए साल में अपने लिए कुछ न कुछ स्पेशल जरूर प्लान कर रहे होंगे। भारतीय मोटरसाइकिल मार्केट में भी नया साल बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि इस साल लॉन्च होने वाली हैं ढेर सारी न्यू बाइक्स। हेलो राइडर्स, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस साल भारत में लॉन्च होने वाली कुछ अमेजिंग सुपर बाइक्स के बारे में। इस लिस्ट में 400 टू 1000 सीसी सेगमेंट की अपकमिंग प्रीमियम बाइक्स को डिस्कस किया गया है जिनके भारत में लॉन्च होने के चांसेस काफी हाई हैं। सो लेट्स बिगिन। रीसेंट ईयर्स में Z900 ZX10R और Ninja H2R की वजह से भारतीय मार्केट में कावासाकी की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी है और अब हो सकता है कि बहुत जल्द कावासाकी मिड बजट सेगमेंट में एक क्रूजर बाइक भी लॉन्च करे जो रॉयल एनफील्ड और जावा बाइक्स पसंद करने वाले बायर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करेगी। ये बाइक है एलिमिनेटर 450 जो बहुत जल्द भारतीय मार्केट में लॉन्च हो सकती है। मॉडर्न अर्बन क्रूजर डिजाइन वाली ये बाइक दिखने में काफी अपीलिंग है। प्रेजेंट टाइम में भारतीय मार्केट के अंदर मिड इंजन कैपेसिटी सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड, जावा और येजदी बाइक्स ही पॉपुलर हैं, जो मेजरली रेट्रो डिजाइन लैंग्वेज फॉलो करती हैं। पर कावासाकी एलिमिनेटर 450 एक ऐसी यूनिक बाइक है जो मॉडर्न फील के साथ कंफर्टेबल, पावरफुल और प्रीमियम राइड एक्सपीरियंस देती है। इसमें 398 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन है जो 47 HP की मैक्सिमम पावर और 37 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 350 सीसी रॉयल एनफील्ड बाइक से ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ ये बाइक उनसे कंपैरेटिवली हल्की भी है। 176 किलोग्राम कर्व वेट और 735 mm सीट हाइट के साथ ये बाइक सिटी ट्रैफिक में काफी इजीली हैंडल होती है। साथ ही लिक्विड कूलिंग की वजह से इसमें रॉयल एनफील्ड बाइक्स की तरह ट्रैफिक में ओवरहीट हो जाने की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। पर इन सब स्पेशलिटीज के लिए आपको पे करने होंगे लगभग 5 लाख रुपए, जो मीटियोर 650 की प्राइस से भी ज्यादा है। नेक्स्ट बाइक है सुजुकी GSXR 1000। सुपर बाइक्स की दुनिया में GSXR 1000 एक बड़ा नाम है। पहली बार 2001 में सुजुकी ने इसे भारतीय मार्केट में लॉन्च किया था और 2006 की धूम 2 में फीचर होने के बाद ये भारतीय मोटरसाइकिल फैंस के बीच काफी पॉपुलर भी हुई थी। लेकिन 2018 में लो सेल्स और BS6 एमिशन नॉर्म्स कम्प्लाई न कर पाने की वजह से सुजुकी ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया था। पर अब 2024 में सुजुकी GSXR 1000 के न्यू वर्जन को भारत में लॉन्च करने जा रहा है। ऑफ कोर्स ये नई सुपर बाइक BS6 कम्प्लाइंट होगी, पर मैकेनिकली इसमें 2017 वर्जन के कंपैरिजन में कुछ मेजर चेंजेस नहीं होंगे। ये नई बाइक पहले की ही तरह 999 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन ऑफर करेगी जो 200 HP की मैक्सिमम पावर के साथ 117 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। नई GSXR 1000 में अपडेटेड डिस्प्ले के साथ कुछ इम्प्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स भी होंगे और इसकी प्राइस होगी लगभग 20 लाख रुपए। इस नए साल में रॉयल एनफील्ड की तरफ से भी कुछ नई बाइक्स लॉन्च होने वाली हैं, जिनमें से एक हो सकती है शॉटगन 650। बेसिकली एक फैक्ट्री कस्टम बाइक होगी, यानी कि एक पावरफुल क्रूजर विद सम स्टाइलिश एंड प्रीमियम कंपोनेंट्स। सिंगल सीट और डबल सीट वेरिएंट्स के साथ इसमें 4 कलर ऑप्शंस मिलेंगे। शोवा सेपरेट फंक्शन अपसाइड डाउन फोक, 18 इंच फ्रंट, 17 इंच रेयर टायर, 320 mm डिस्क और 240 किलोग्राम कर्व वेट के साथ ये बाइक बहुत ही मस्कुलर अपीयरेंस देगी। शॉटगन 650 में 648 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन होगा जो 46 bhp की मैक्सिमम पावर और 52 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अगर ये बाइक लॉन्च होती है तो इसकी प्राइस 3.5 लाख से 4 लाख के आसपास होगी। नेक्स्ट है यामहा R7। ये 2021 में यामहा ने अपनी पॉपुलर मिड इंजन सेगमेंट स्पोर्ट बाइक R6 की जगह ऑल न्यू R7 को लॉन्च किया था। बेटर परफॉर्मेंस और फ्रेश लुक्स वाली ये बाइक उस समय इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हुई थी पर भारत में नहीं। मगर क्यों? तो लेकिन अब 2024 में यामहा फाइनली इस मिड इंजन सेगमेंट स्पोर्ट बाइक को भारत में भी लॉन्च करने जा रहा है। 689 सीसी पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ ये बाइक सुपर स्टाइलिंग और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स ऑफर करती है जो 22,000 सीसी सुपर स्पोर्ट बाइक से कम प्राइस पर एक पावरफुल और प्रीमियम स्पोर्ट बाइक लेना चाहते हैं ये उनके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 10 लाख रुपए। यामहा R7 का 689 सीसी पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन 72 bhp की मैक्सिमम पावर और 67 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। फुल्ली एडजस्टेबल KYB अपसाइड डाउन फोक्स और लाइटवेट डायमंड टाइप फ्रेम के साथ ये बाइक स्ट्रीट और ट्रैक पर भी सुपर परफॉर्मेंस देने में कैपेबल है। नेक्स्ट है KTM 990 ड्यूक।
रीसेंट ईयर्स में भारतीय मार्केट के अंदर कावासाकी Z900 की बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ दूसरी कंपनीज के बीच भी इस सेगमेंट में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है और इसीलिए अब KTM अपनी 990 ड्यूक के साथ भारतीय मार्केट में कावासाकी Z900 को टफ कंपटीशन देने की तैयारी में है। 2023 में लॉन्च हुई KTM ड्यूक 990 फ्रेश डिजाइन के साथ कई अमेजिंग फीचर्स ऑफर करती है। साथ ही इसमें लगा 947cc पैरेलल ट्विन इंजन 123 HP की मैक्सिमम पावर और 103 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इतनी ज्यादा पावर और 189 किलोग्राम की लाइटवेट बॉडी की वजह से ड्यूक 990 की परफॉर्मेंस काफी इम्प्रेसिव है। अगर ये बाइक भारत में लॉन्च होती है तो इसकी प्राइस होगी 10 से 12 लाख रुपए, यानी कि ऑलमोस्ट Z900 के बराबर। और अब एंड में है इस लिस्ट की मोस्ट एक्साइटिंग अपकमिंग बाइक, कावासाकी निंजा H2 एंड H2R न्यू मॉडल। भारत के साथ ही पूरी दुनिया में भी कावासाकी निंजा H2R सबसे पॉपुलर सुपर स्पोर्ट बाइक है। पिछले कई सालों से कावासाकी ने टाइम टू टाइम इस हाइपर बाइक में कुछ न कुछ अपडेट्स दिए हैं, पर ओवरऑल डिजाइन में कोई मेजर चेंज अब तक नहीं किया गया है। लेकिन अब हो सकता है कि इस साल के एंड तक या 2025 में कावासाकी अपनी निंजा H2 एंड H2R में एक बड़ा चेंज इंट्रोड्यूस करे। रिसेंटली कावासाकी ने भारत में निंजा H2 SX को भी लॉन्च किया है, जो H2 की टूरिंग वेरिएंट है। यानी कि अब भारतीय मार्केट में H2 सीरीज की सभी बाइक्स अवेलेबल हैं। सुपर चार्जर वाले इंसेनली पावरफुल इंजन के साथ ये बाइक्स अनबीटेबल परफॉर्मेंस देती हैं। पर अब समय के साथ इनमें कुछ डिजाइन अपग्रेड्स की जरूरत है, ताकि डिजाइन और फील में BMW S1000RR और Ducati Panigale जैसी सुपर स्पोर्ट बाइक्स के फ्रेश लुक्स को मैच किया जा सके। फिलहाल निंजा H2 एंड H2R के न्यू वेरिएंट पर कावासाकी की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, पर 2024 में इन बाइक्स का डिजाइन पूरे 9 साल पुराना होने वाला है। यानी कि कावासाकी की तरफ से नई H2 बाइक्स डेवलप करने का काम श्योरली स्टार्ट हो चुका होगा। अब देखना यह है कि कावासाकी इन बाइक्स को कब दुनिया के सामने रिवील करता है। अपकमिंग सुपर बाइक्स के टॉपिक के साथ साथ मुझे आप सब की तरफ से और भी कई टॉपिक सजेशंस मिले हैं, जिन पर मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। बाइक्स और कार से जुड़ी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। राइड सेफ टू राइड अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वन।